हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो मेरा उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री रावत जी, उनके लिए है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह है उत्तराखंड के सीएम रावत जी तक पहुंच सके। जिस प्रकार की हरकत श्री रावत जी के द्वारा एक महिला टीचर के लिए की गई है, वह किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि वह महिला अकेली हैं, उनके बच्चों को पालने का भार उनके ऊपर है, उनके पति गुजर चुके हैं। तो इससे स्वाभाविक है कि एक आदमी जब इतना परेशान होगा, उनके पति गुजर चुके हैं, उनके परिवार को पालने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उनके ऊपर है, तो उसमें एक नॉर्मल आदमी भी जो है मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होगा। और हो सकता है कि ऐसे में एक दो बात परेशानी के कारण गलत भी निकल सकती हैं। परंतु श्रीमान रावत जी से यह अपेक्षा नहीं थी कि उनका बिहेवियर इस प्रकार का होगा। उनको नहीं भूलना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री हैं, लोग उनके पास में अनेक प्रकार के फरियाद लेकर के आते हैं। उनको सुनना और उन पर विचार करना, यही उनका काम है, और उसका सोल्यूशन देना। वह महिला क्या मांग रही थी? मात्र यह है कि भाई उसका ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिया जाए जिससे कि अपने बच्चों का देखभाल ठीक प्रकार से कर सके, चूंकि अब उसके पति इस संसार में नहीं है। वह क्या ऐसी अनुचित चीज़ मांग रही थी जिसके ऊपर मिस्टर रावत इतने भड़क गए? मिस्टर रावत, आप ये मत सोचिएगा कि केवल भड़कना आपको आता है, इस देश की जनता को भी भड़कना आता है, और वो बहुत अच्छे तरह से जानती है कि उसको कब और कहाँ भड़कना है। ठीक है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोई भगवान नहीं बन गए हैं उत्तराखंड के। और भक्तों, ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आपकी है कि रावत जी के खिलाफ अधिक से अधिक आवाज़ उठाएं। चूंकि वह एक महिला भी हैं और साथ में एक टीचर भी हैं, यदि एक टीचर के साथ में इस प्रकार का बर्ताव किया जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी रूप में। और रावत जी से मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी स्कूलों की क्या अच्छी व्यवस्था की है? उसमें कोई सुधार किया है आपने, जो आप उस महिला टीचर पर भड़क गए? या आपका उस एक टीचर आपके कारण अगर आप उसका ट्रांसफ़र कर देते तो क्या आपकी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती? ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं मांगी थी। और मैं मिस्टर मोदी से भी कहना चाहूँगा कि वो रावत को समझाएं, अकल में रखें। हम भक्त जरूर हो सकते हैं, परंतु अंधभक्त नहीं। जहाँ पर भी जो भी बीजेपी का नेता मुझे गलत लगेगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा। दोस्तों, चूंकि मैं बीजेपी समर्थक हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गलत बात को भी बर्दाश्त करूं। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो टीचर महोदया हैं, उनका तुरंत निलंबन वापस होना चाहिए। और जहाँ वह अपना ट्रांसफ़र चाहती हैं, उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वह अपने बच्चों की देखभाल अच्छी प्रकार से कर सकें। यह मत भूलिएगा मिस्टर रावत, कि बच्चे केवल उसी के नहीं हैं, वो इस राष्ट्र के भी बच्चे हैं। और अगर उन बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो इस राष्ट्र का भविष्य भी अच्छा होगा। ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं मांग ली उस टीचर ने, उस गुरु ने, कि जो आप नहीं कर सकते थे। आपकी लैंग्वेज में एक गुरूर झलकता है, इस अकड़ को छोड़िएगा और विनम्र बनिए। एक सीएम को
यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपके पास जो फरियादी आता है वह मानसिक रूप से विचलित भी होता है। वह एक सीएम के सामने जब वह आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने काफ़ी पापड़ पेले, परंतु उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब वह आपके पास आई है। नेचुरल है कि उसका दिमाग उतना संतुलित नहीं होगा जितने कि आप अपेक्षा करते हैं। वह टीचर पिछले 22 साल से या 23 साल से टीचर है, आप मुश्किल से 1 साल से मुख्यमंत्री हैं, और हो सकता है अगले 4 साल बाद आप मुख्यमंत्री ना हो या अगले साल के बाद मुख्यमंत्री ना हो, ठीक है ना। आप आज मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं होंगे, परंतु एक टीचर अपनी बहुत लंबी पारी खेलता है। वह समाज को अच्छे इंसान देता है। शायद अगर आप उस टीचर महिला की व्यथा सुनते, उसके उनका अगर आप अनुमोदन कर देते उनके ट्रांसफ़र के लिए, तो आपकी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह ऐसी कोई चीज़ नहीं मांग रहे थे, और आप कह रहे हैं कि आपने जब ज्वाइन किया तो क्या लिखित में दिया था। अरे जब आपने शपथ ली थी तो आपने क्या क्या जो है शपथ में आपने क्या शपथ ली थी कि आप इस प्रदेश के और देश के संविधान के अनुसार काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं। धमकी देना ही सरासर संविधान का उल्लंघन है। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है, जिस प्रकार की आपकी लैंग्वेज थी। आपको अभी पूरे उत्तराखंड वासियों से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि रावत जी के खिलाफ अधिक से अधिक आवाज उठाएं और उस महिला टीचर को इंसाफ दिलाने में सहयोग दें। धन्यवाद।